ब्रेक के बाद आपका स्वागत। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के बैनर तले इमाम्स कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और खरगोन सेंधवा की घटना की निंदा की और सरकार की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के सदस्यों ने खरगोन और सेंधवा में सांप्रदायिक दंगे और एक पक्षीय सरकारी कार्यवाही का आरोप लगाते हुए विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में धार्मिक यात्रा और रैलियों के नाम पर उन्मादी भीड़ एक संप्रदाय विशेष को निशाना बनाकर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर रहे हैं। ये उन्मादी भीड़ धार्मिक यात्राओं के आड़ में वर्ग विशेष के लोगों पर हमला कर उनके धार्मिक स्थानों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को क्षतिग्रस्त कर रही है। दूसरी ओर इस उन्मादी भीड़ को शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण इन पर कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं हो रही है। हाल ही में खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान कपिल मिश्रा द्वारा उन्मादी भीड़ को वर्ग विशेष के घरों पर हमला करने और मारपीट करने के लिए उकसाया गया। घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। निर्दोष लोगों को आकारण घरों से उठाकर थाने ले जाया गया। जो लोग घटना में शामिल नहीं है उनके मकान दुकान ध्वस्त किए गए। पुलिस एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो व्यक्ति थाने पर रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि खरगोन के सांप्रदायिक हिंसा का दोषी कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और तत्काल गिरफ्तारी हो। घटना में जो लोग भी शामिल है, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। घटना में जो बेकसूर लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, ना कि एक वर्ग विशेष को टारगेट कर बदले की भावना से कार्रवाई की जाए। जिन लोगों के मकानों को ध्वस्त किया गया है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। खरगोन में हुए सांप्रदायिक मामलों की न्यायिक जाँच की जाए।